जब जब पृथ्वी पर पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ जाता है और सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है। युग युग में सृष्टि की नौ रचना करने के लिए फिर से सृष्टि का सर्जन करता जन्म धारण करता है। वही करता मतलब विश्वकर्मा पाहि मां। विश्वकर्ता जगत सृष्टा देव देवात्राहि मां। सौभाग्य सुख संप्रदाता भव भय हरण कर्ता प्रभु। सुख शांति वर्धन भय निकंदन मोह खंडन त्राहि मां। माया देवी, कृत योग का समय आ गया है। कृपया नेत्र पर से भार हल्का करो।
माया का भार जीव मात्र को प्रमादी बना देते हैं। मुझे प्रमाद में से मुक्त करो। प्रणाम महाप्रभु। आज्ञा कीजिए प्रभु। माया देवी, सृष्टि के नवनिर्माण कार्य का समय आ गया है। चारों तरफ आकाश है, दूर अति दूर मात्र जल है, और जल के ऊपर ये कमल है। कमल का कोई तो आधार होगा ना, कहाँ है आधार? कमल के आधार की तो तह भी ना मिली। कौन होगा मेरा सर्जक? किस प्रयोजन से मेरा सर्जन किया होगा? आपके प्रत्येक प्रश्न के उत्तर, आपकी जिज्ञासा के जवाब आने वाला समय ही देगा, हे ब्रह्मदेव। किसकी है ये मधुर ध्वनि? सर्वप्रथम आप तप करो ब्रह्मदेव। कौन बोला? कौन बोला? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिध्यानगम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मदेव, सृष्टि का निर्माण कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। सर्वप्रथम मेरा सर्जन किया ब्रह्मदेव ने, और मुझे आकार दिया अंडे का, इसलिए मैं पहचाना जाता हूँ ब्रह्मांड के नाम से। आदि नारायण ध्यान में बैठे प्रकट हुए ब्रह्मा जी, सृष्टि के सर्जन करने के लिए आए विश्वकर्मा जी। ये तुम्हारे छोटे भाई हैं विश्वकर्मा, सृष्टि के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रणाम प्रभु। और प्रभु विश्वकर्मा ने तत्काल अपना कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने आठों दिशाओं में आठों दिक्पाल खड़े कर दिए। मैं हिलता बंद हुआ तब उन्होंने मुझ पर मेरु पर्वत स्थापित कर दिया। उसके भार से मैं स्थिर हुआ। बोले बोले विश्वकर्मा भगवान की। जय विश्वकर्मा प्रभु, जय विश्वकर्मा, सुख संपत्ति धन दीजे,
सुख संपत्ति धन दीजे, रखना हमें चरणों में। ओम जय विश्वकर्मा। जल थल गगन मंडल सब तुम्हारी ही रचना, प्रभु तुम्हारी ही रचना। भूल चुक हो जो हमसे, भूल चुक हो जो हमसे, करना प्रेम से क्षमा। ओम जय विश्वकर्मा। देवराज इंद्र, देवतागण, आप सब प्रभु विश्वकर्मा की प्रार्थना करें। वे नौरचना के कार्य में प्रवीण हैं, वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम नमो विश्वकर्मणे। इंद्रदेव प्रणाम। प्रभु कल्याण मस्तु। प्रभु हम लोग, मैं आप सबकी मनोच्छा से परिचित हूँ। आप सबका कार्य करने के लिए मैं आप सबके बीच अवतार धारण करूँगा और तुम्हारा कार्य उत्तम तरीके से पूर्ण करूँगा। आपका स्वर्ग सर्वोत्तम सुख का पर्याय बन जाएगा। प्रभु विश्वकर्मा की जय। प्रभु विश्वकर्मा की जय। प्रभु विश्वकर्मा की जय। हमारी सम्मति और आशीर्वाद किस लिए नहीं होगा मुनिवर्य, आपके क्या राय है? अवश्य, सूर्य संपन्न तेजस्वी पति वो तो संध्या जैसी भाग्यशाली को ही मिलेगा, और उसमें भी आप जैसे भक्तों का भी आशीर्वाद है। तो कीजिए विवाह की तैयारी। नारायण नारायण। मुनिवर्य नारद जी प्रणाम। कल्याण नमस्ते। विराजिए भक्तराज, कहिए मैं आपका स्वागत कैसे करूं? आप तो अनंत यात्री हो सूर्यदेव, स्वागत के लिए रुकने का समय है आपके पास? आप कहना क्या चाहते हैं? आपके योग्य एक कन्या देखी, यदि आपकी इच्छा हो और आपके पास पल भर का समय हो। मेरा पल भर का रुकना वो आपका स्वागत हो तो वो मेरा धर्म है मुनिवर्य, आप आज्ञा करें। नारायण नारायण। वो कन्या अभी अपने पिता की बनाई हुई धरती पे है, देखिए। यदि आपको पसंद हो तो। ओम मां ब्रह्मदत्तानं प्रथमं पुरस्तात् द्विषीमतः सुरुजो वेनावः सुबुद्ध्यावमास्य विष्टा सतश्च जोनिम सतश्च विवा हरि ओम गणानांतवा गणपति गुणवामहे। अखंड सौभाग्यवती भव। कल्याण मस्तु। सुखी रहो। मात पिता को चैन नहीं, विदा हो रही लाडली बेटी। जा बेटी ससुराल में, तू तो दिल में हमारे रहेगी। सब सुख मिले तुझे मेरी लाडो, सुख से रहे सदा तू।
बेटी मई के वजन ससुराल में ऐसा क्यों देवी? कैसा? मुझे अपने स्वामी को देखोगे भी नहीं? कक्ष के दरवाजे बंद होते हैं तब दिल के दरवाजे खुलते हैं। मुझे आपके सुंदर नैनों के द्वारा तुम्हारे दिल में उतरना है, पर आप ऐसे नैनों की पलकें बंद करके बैठे हो, किस लिए? कैसे कहूं कि आपका इतना तेज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेजस्वी प्रकाश मेरे आंखों के दिए बुझा देता है। अपनी जबान दिखाओ। अरे वाह, आपके पास जबान तो है, तो क्या वाणी नहीं है, शब्द नहीं है? ये जीभ उतनी दुष्ट नहीं है स्वामी कि जब मन मन से बात करता हो और बीच बीच में वो टोके। समझ गया, प्रथम रात्रि में दुल्हन भी शर्मा कर बैठ जाती है तो फिर ये नाजुक नैन वो कैसे ना शर्माए। आइए मैं उस डर को दूर किए देता हूँ। कैसे दिख रहे हैं? बहुत ही सुंदर। लगा तो नहीं है ना? नहीं। आप मेरी गोद में आके कैसे गिरे? इच्छा हुई इसलिए। आपको क्या हमेशा ऐसा मन होता है? मतलब कहना क्या चाहता है तू? मतलब के स्त्री अगर पुरुष की गोदी में आके गिरती है तब पुरुष का हृदय धक 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 करता है। तो तेरा दिल धक 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 करना बंद कर दूंगी, समझा? अरे अरे रुक रुक रुक, तुम्हारा नाम तो बताओ। वक्त आएगा तब कहूंगी। प्रणाम गुरुदेव। पधारो इंद्रदेव, पधारो। प्रभु, एक समस्या लेके आया। समस्या? आपको तो ज्ञात है कि देवों के गुरु बृहस्पति देवों का साथ छोड़ के चले गए। हाँ। और देवता निराधार हो गए। दानव दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बन रहे हैं। मुझे आशंका है कि दानव की बढ़ती हुई शक्ति कहीं देवताओं के सर्वनाश का कारण न बन जाए। कोई उपाय बताइए प्रभु। इंद्रदेव, विश्वकर्मा ने त्वष्टा के रूप में भक्त प्रहलाद की पुत्री विवेचना के साथ शादी की है। मैं जानता हूँ। प्रहलाद की बेटी की कोख से विश्वरूप ने जन्म लिया है। वो अति विद्वान है, उनके पास वैष्णवी विद्या है, वो महान समर्थ हैं। देवों के गुरुपद के लिए वो सबसे योग्य हैं। मुझे विश्वास है वो आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। देवराज इंद्र आपके दर्शन के अभिलाषी है, उन्हें आदर पूर्वक हमारी कुटिया में ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम विश्वरूप जी। पधारिये देवाधिदेव। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। फिर तो वो अवश्य लोक कल्याण के लिए होगी। हम देवताओं की प्रार्थना है, आप हमारा गुरुपद स्वीकार कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों ने देवों पे आक्रमण किया है, ऐसे में देवलोक संकट में है। गुरु बिना समस्त देवगण शक्तिहीन हो गए हैं। देवों का सर्वनाश वो सृष्टि का सर्वनाश है। इंद्रदेव, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार्य है। देवराज इंद्र को आसन ग्रहण करवाएं। देवराज, आज मैं आपको नारायण कवच धारण करवाता हूँ। विराजिए देवराज। देवराज इंद्र, अब आप हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके ओम नमो नारायण के 8 अक्षर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 12 अक्षर के मंत्र का जाप करके अपने कवच को धारण करें। भगवान श्रीहरि आपकी रक्षा करेंगे। Thank you.
सर्वरक्षं न्यस्तां धृपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहु मां केशवो गदय प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिः मध्यं दिने विष्णुररुन्द्रपाणिः चक्रं युगान्तानलति नेमि म्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दण्डद्धिदण्डध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यव्यावात सखोहुतः मधवन्दमाख्यातम् वर्मनारायणात्मकं विजेश्य सञ्जसायेन दंशितो सूरयूधपान् आ गई। कहाँ गई थी? पूछने वाला तू कौन? कौन मतलब? मैं स्वर्गवासी हूँ। स्वर्गवासी? हाँ स्वर्गवासी, ग्रहपुत्र हूँ। आप और आपको प्रेम करता हूँ। सच में? सच्ची? तो तू मेरा एक काम करेगा? बोलो। देख कौन है ये? कृपा शंकर। कृपा शंकर? हाँ, हमें इसको स्वर्गवासी करना है। मार डालो। तो यमराज को कहते हैं? नहीं, उठा के लाना है। हैं? स्वर्ग में? हाँ। मृत्यु लोक का कोई भी मनुष्य आज तक जीते जी स्वर्ग में नहीं आया है। पर मुझे उसे दंड देना है। कैसा? उसके अपराध का। उसने मुझ पर कुदृष्टि डाली है। क्या कुदृष्टि? आग फोड़ डाली सनी। मगर उसे लाना तो पड़ेगा ना। लाएंगे लाएंगे। विश्वरूप, तुमने दानवों को यज्ञ का भाग देके केवल मेरा ही नहीं समस्त देवगण का अपमान किया। स्वामी, जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। विश्वरूप, पधारिए इंद्रदेव। क्या बात है, आप अत्यंत क्रोधित दिख रहे हैं। हाँ विश्वरूप, आपने देवों के साथ छल किया, उनका द्रोह किया, देवों के पुरोहित होते हुए भी दानवों को यज्ञ का भाग दिया। इंद्रदेव, असुर की बेटी के पेट से जन्म लिया है तुमने, असुरों के भांजे हो तो ऐसा तो करोगे ही। इंद्रदेव, क्रोध के वशीभूत होकर गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो और आवेश कुबुद्धि का आवरण बन जाता है। ऐसे शब्द उच्चारण करके आप अपने अपराध को छुपाने की चेष्टा कर रहे हैं। विश्वरूप, आप दंड के पात्र हो, दंड के पात्र हो। नारायण नारायण। इंद्रदेव ने ये क्या किया? क्या? नहीं 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 नहीं, कह दो मुनि महाराज जी कि यह असत्य है। मेरे कहने से कोई सत्य नहीं बदल जाएगा देवी। आपके पुत्र का वध होते हुए मैंने अपनी सगी आंखों से देखा। अभागी है मेरी आंखें। देवता तो समर्थ है, उसमें भी इंद्र तो देवाधिदेव। इस कार्य से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, पर समस्त देवताओं ने पाप के चार भाग करके पृथ्वी, वृक्ष, जल और नारी में समर्पित कर दिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पाप मुक्त हुए हैं, प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा।
और मैं लेके ही रहूंगा। महेंद्र शत्रु वर्धश्वेती, महेंद्र शत्रु वर्धश्वेती, स्वाहेंद्र शत्रु वर्धश्वेती। हे इंद्र शत्रु, तुम वृद्धि करो और शीघ्र शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप काम दहन करने वाले भोलेनाथ हो और आप स्वयं काम क्रीड़ा में मग्न हो। प्रभु, कौन भरोसा करेगा आप जैसे भगवान पे? अरे मूर्ख निर्लज्ज विद्याधर, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ, तुम मसूर योनि में जन्म लोगे। ओम मग्ने स्वाहा। ये वही विद्याधर है जो मेरे श्राप से असुर योनि में जन्मा था। भस्मासुर, जाओ इंद्र पर आक्रमण करो। भाग गया डरपोक, वापस आ, भाग गया डरपोक। प्रभु, आपकी शरण में आए हैं। मैं जानता हूं देवाधिदेव, वृत्रासुर का वध हम सबकी समस्या है। वृत्रासुर का मृत्यु वही अपना जीवन है, परंतु देवाधिदेव इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। ये श्री आदिनारायण की लीला है, वही हमारी विपत्ति का समाधान करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री आदि नारायण की जय। प्रभु श्री आदि नारायण। वत्स, शब्दों का साथ लेकर समस्या को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है इंद्र। हाँ प्रभु, आपकी लीला आप ही ना जानो तो अन्य कोई कैसे जानेगा। देव के पुरोहित वर्षा पुत्र विश्वरूप को दिया हुआ कवच देवादि देव को मिटने नहीं देंगे, और देवादि देव के वैरी एकमात्र वृत्रासुर देवादि देव को जीने नहीं देंगे। प्रभु, आप ही कृपा कीजिए और आप ही मार्ग निकालिए। वृत्रासुर को मारने का इंद्र उपाय पूछे। दधीचि ऋषि के हाड़ से होगी पूर्ण लीला। ओम जय विश्वकर्मा। अश्विनी कुमारों, आंगन में अतिथि का रूप लेकर आने वालों का अपमान करना मेरे बस में नहीं है, परंतु भूल गए, इसी इंद्रदेव ने एक बार मेरे साथ छल और कपट किया था। अरे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए दूसरे ब्राह्मण के पास आए हो? अरे मेरे इस हार्ड मांस के शरीर में से इंद्रदेव का सत्कार हो रहा हो तो वो बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आप बेशक जा सकते हो। आपके जीवन की हत्या करना वो हमारे लिए आनंद की बात नहीं है, लाचारी है। परंतु वृत्रासुर के वध में ही देवताओं की भलाई, इसी में लोक कल्याण है। प्राणी मात्र के हित के लिए आपके पास भीख मांगने आए हैं ऋषि मुनि। प्रणाम मुनीश्वर। आयुष्मान भव,
आप जैसे ऋषि मुनि के जप तप से ही समस्त पृथ्वी चल रही है। आप जैसे ऋषि मुनि के तप जप से ही सृष्टि का कल्याण है। आपके जीवन और मृत्यु सृष्टि के कल्याण अर्थ के लिए ही है। मैं आपसे हाड़ मास लेने नहीं आया हूँ, मैं तो सृष्टि के कल्याण के लिए ही आया हूँ। ये समय मतभेदों का हिसाब करने का नहीं है, फिर भी जैसी आपकी आज्ञा। पर मेरे जीवन शरीर में से शस्त्र बनाएगा कौन? हाँ है, एक ही व्यक्ति, प्रभु विश्वकर्मा। मृत्यु के भय ने तुम्हें स्वार्थी बना दिया है इंद्रदेव। हमारे पुत्र का वध करने वाले के हाथ में मैं वज्र दूं? ब्रह्म हत्या का पाप करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? पुत्र वध करते हुए तुम्हें संकोच नहीं हुआ? और अब वही हाथ फैलाकर तुम अपनी जिंदगी की भिक्षा मांगने आए हो? नारायण नारायण, इस बात में सत्यता है प्रभु। ऋतासुर मेरी दुश्मनी का चिरंजीव अग्नि है, एक माँ की आंख से निरंतर बहते अश्रु है। वो तभी रुकेंगे जब वृतासुर उसे मिले हुए आशीर्वाद में सफल होगा, अपना कर्तव्य पूरा करेगा। नारायण नारायण, ये बात भी सत्य है महादेवर्षि, परंतु ये देवी देवता ही बोल रहे, मात्र माता पिता ही बोल रहे। नारायण नारायण, पुत्र प्रेम को ही प्राथमिकता देते हुए माता पिता, आप लेन देन का हिसाब करते हुए व्यापारी हो कि फिर लोक कल्याण के लिए बारंबार अवतार धारण करने वाले देवदेवी भी हो? नारायण नारायण, पुत्र प्रेम के मोह में आप इतने अंधे हो गए हो कि आपको लोक हित भी नहीं दिखाई दे। नारायण नारायण, आप देवताओं का नाश करके दानवों को शक्तिशाली बना रहे हो। असुरों का साम्राज्य तो सर्वनाश का साम्राज्य है प्रभु, आप उसी की स्थापना कर रहे हो। इस बात में भी सत्यता है प्रभु। परंतु जिंदा शरीर कैसे प्राप्त होगा? अगर हो तो भी उस पूजनीय शरीर को स्पर्श ये हाथ कैसे कर सकेंगे? ये कैसी विडंबना है महादेव? आपकी विडंबनाएं यथार्थ हैं इंद्रदेव। कोई मेरे प्राण लेगा तो ये शरीर भी मृत्यु पाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। और उसे जिंदा रखने के लिए इस खून और शरीर में से मुक्ति देनी ही पड़ेगी। और वो कर्तव्य पूरा करेंगे मेरी गौ माताएं, मेरी प्राण से भी प्रिय, अधिक और पूजनीय। हे गौ माता, लोक कल्याण के लिए आत्मसमर्पण ही सच्चा अर्थ है। अपने बालक की प्रार्थना है माँ, अपनी नाजुक और कोमल जिह्वा के मेरे रुधिर और मज्जा को चाट ले माँ। कामधेनु के सामने दधीची विनती करे, प्रभु दधीची विनती करे, ऋषि के हाथ को गाय चाटे, ऋषि के हाथ को गाय चाटे, देह का दान किया। ओम जय विश्वकर्मा। जाइए इंद्रदेव, देवों का देवत्व नाश होने से पहले हमारे कार्य में सफल हो। वृत्तासुर, रणभूमि छोड़ के भागे हुए कायर आज फिर से यहाँ मरने के लिए आया है। याद रखना इंद्र, आज तो तेरा इंद्रासन लेकर ही छोड़ूंगा। नहीं, 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 नहीं
मुझे माफ कर दो। नहीं। धृतासुर को वध करके वचन को पूर्ण किया, प्रभु वचन को पूर्ण किया, देवलोक में भी प्रभु की, देवलोक में प्रभु की जय जयकार हुआ। ओम जय विश्वकर्मा। और कृपा शंकर के मिलन के पीछे क्या संकेत था वो तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु वृत्तासुर के वध के बाद देव दानव के बीच में युद्ध होता ही रहता था। दानवों के नाश के लिए आदि नारायण ने अमृत प्राप्त करने के लिए इंद्र को समुद्र मंथन की सलाह दी। समुद्र मंथन करने के लिए विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को घुमाने के लिए उनका सहयोग लेने के लिए वासुकी नाग से प्रार्थना की। समुद्र मंथन के बाद मेरु पर्वत को पाताल के बीच में रखना पड़ा। नागों के फन में रहे हुए मणि के स्पर्श से पर्वत सोने का बन गया और वो हेमकुट कहलाया, और हेमकुट ने मनुष्य रूप धारण करके एक सुंदर गुफा में निवास किया। आभार। नारी की रक्षा करना वो तो पुरुष का धर्म है। तपस्वी, हाँ। सच में आपने अचानक यहाँ आकर हमारी सहेली को बचाया है। ये तो मेरा कर्तव्य है। और थोड़ी देर पहले आप हमारी सहेली को टुकुर टुकुर देख रहे थे। हाँ। वो देख के लगता नहीं कि आप तपस्वी होंगे। चुप कर नटकट, कब की क्या बकबक कर रही है? क्यों यहाँ पे खड़ी है? आभार मान लिया ना, चल चलते है। चुप, इनका परिचय तो जान लो। मेरा नाम हेमकुट है, आपका नाम क्या है? नाग कन्या इला। ऐसे तुम ना लचको के सजनी, ऐसे तुम ना लचको, रूप की गागर बन कर छलको, Thank you.
मोरी नैनो से नैन मिलाओ, स्नेह की गागर बन कर छलको ओ रसिया यू नारस तुम छलको, के सजनी ऐसे तुम ना लचको ओ रसिया यू नारस तुम छलको, के सजनी ऐसे तुम ना लचको। क्या सोच रहे हो? एक प्रश्न पूछूं? हमारे बीच में कोई अंतर है क्या अभी भी कि प्रश्न पूछने के लिए भी प्रश्न करना पड़ा? मन ही मन विलंबना हो रही है, घबराया हुआ हूँ। क्यों? मेरे प्रश्नों के उत्तर का आपका जवाब मेरा जीवन है और ना मेरा मृत्यु। कहीं आपने ना कह दी तो? प्रश्न पूछे तो सही। यही, मुझसे विवाह करोगी? परंतु अपने रिश्ते के लिए पहले पिताश्री का आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा। और उनकी ना मेरे लिए जीवन नाश करने वाली बात होगी। नारायण नारायण। आइए आइए मुनिवर्य, प्रणाम। विराजिए। विराजने का समय नहीं है प्रभु। क्यों? नारायण नारायण। आप तो सब जानते हो देवता, क्या नहीं जानते कि दानवों का बल कम करने के लिए देवताओं ने दानवों में फूट डाल दी। जानता हूँ मुनिवर। ये भी जानते होंगे कि अंधक नाम का दैत्य देवों में मिल गया है और देवताओं ने तो भगवान शंकर को रिझाया है और भोलेनाथ नारायण नारायण बोले ही रहे, दानवों को रक्षण दिया है। और देवताओं की चाल तो देखो, उन्होंने दानवों के सामने युद्ध करने के लिए स्वयं अंधक को ही भेजा है। इस युद्ध में अगर अंधक की विजय होगी तो वो विजय देवता की होगी। यदि अंधक युद्ध में मारा जाए तो इस सृष्टि में से एक असुर कम हो जाएगा। नारायण नारायण। देवताओं को तो लाभ ही लाभ है। ये रणनीति है मुनिवार्य। होगी, निश्चिंत होगी, पर नारायण की लीला तो देखिए देवता। दानवों का रक्षण करने के लिए वचनबद्ध भगवान शंकर स्वयं अंधक के साथ युद्ध में उतरने वाले हैं। नारायण नारायण। कौन हो तुम? प्रभु, मैं आपके और अंधक के पसीने से जन्मा हूँ। आप मेरे जन्मदाता हो, मैं आप ही का पुत्र गिना जाऊंगा। आप मुझे स्वीकार कीजिए। चिंतित न हो भोलेनाथ, मैं इसका मेरे पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। विश्वकर्मा आप? हाँ भोलेनाथ, मैं दानवों का दामाद हूँ और वैसे भी देव और दानवों के पक्षों का मिलन का परिणाम रूप हूँ। कैसा योगानुयोग है, कैसी ये लीला है, प्रभु का निर्णय उचित है। मैं इसका नाम वास्तुदेव रखूंगा, जो जगत में वास्तुदेव के नाम से प्रचलित होगा। प्रणाम पिताश्री। कल्याण मस्तु। नारायण नारायण। देवर्षि, आगमन का प्रयोजन? प्रभु, आप भूल गए हैं, आपके भक्त असुरों को, शुद्ध अशुद्ध को याद है? उन दोनों भाइयों ने आपको प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। नहीं मुनिवर, मैं भूला नहीं हूँ, मेरे मन में वही विचार चलता रहता है। ओम ब्रह्मदेव नमः।
हे सूद उपसूद, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूँ। प्रभु मांगो मांगो, वो दूंगा। प्रभु हमें चाहिए अमरत्व। प्रभु हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु कदापि ना हो। ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता। ऐसा वरदान तो दे ही सकते हो ना प्रभु, कि हमारी मृत्यु हो तो एक दूसरे के हाथों से ही हो। तथास्तु। सुनाई दे रहा है प्रभु। अर्धनाथ, साधु संत सभी ब्राह्मणों की, आपके भक्त सुदासुद धर्म का सर्वनाश कर रहे हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वृद्ध के हाड़ मास के ढगले आकाश को छू लेंगे, रक्त की नदियां बह जाएगी, पूरी सृष्टि शमशान में बदल जाएगी। वो दोनों ही भाई आपके दिए हुए वरदान के कारण अजय बन गए, अमर बन गए। आप ही को अभी उसे रोकना पड़ेगा, और वो भी हो सके उतनी चतुराई से। सावधान सुद उपसुद, सावधान। प्रणाम ब्रह्मदेव। सुद उपसुद, तुम दोनों मैंने दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो। शक्ति का दुरुपयोग वो पाप है, वही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। सर्वनाश होता है शक्तिहीन हुए लोगों का। परंतु ऐसा अधर्म करके तुम क्या चाहते हो? आप सभी देवताओं मिलके हमारी पूजा कीजिए। वो कदापि शक्य नहीं है। प्रणाम बड़े भाई। आओ भाई, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। आज्ञा करें बड़े भाई, मेरी तो मति काम नहीं कर रही। तुम कोई नया सर्जन करो कि वो उन दोनों भाइयों का सुध उपसुद के कलह का कारण बने, विनाश का कारण बने। जैसी आज्ञा बड़े भाई। विसर्जन करने के लिए तो नया सर्जन करना ही पड़ता है। आशीर्वाद ओम जय विश्वकर्मा। विश्वकर्मा बड़े भाई, देखिए प्रणाम। ये एक स्त्री, पुष्प से भी कोमल, वो क्या कर सकेगी? पुष्प के प्रहार से पाषाण नहीं टूटेगा त्वष्टा। ऐसा संशय किस लिए भाई? जहां देवों की शक्ति भी असफल रही, वहां रात दिन आठों पहर परिश्रम करके ऐसा सर्जन। इसे देखकर असुर इनके साथ मनोरंजन करके थोड़े समय के लिए तो सब कुछ भूल ही जाएंगे। पर निश्चिंत रहे भाई, आप तिलोत्तमा सब कुछ जानती है, उसे क्या करना है? तिलोत्तमा। जी प्रभु। थोड़े ही समय में देखना भाई, देवताओं का नामो निशान नहीं रहेगा और साम्राज्य होगा हम असुरों का।
अपना? हाँ बिल्कुल अपना। ब्रह्मा जी भी मूर्ख बन गए और दे दिए हमें अमरत्व का वरदान। तुम कौन हो सुंदरी? और किसकी है ये मदकाया और ये जवानी? मेरी उसुत की? नहीं मेरी। मैं तो उसी की हूँ जो तुम दोनों में से सबसे ज्यादा सूरवीर हो। तो मैं ही सूरवीर हूँ, मात्र शब्दों में या शस्त्रों में भी? ये अभी पता चल जाएगा। Ah!
उत्तमा की जय। स्वर्ग लोक में आपका हार्दिक स्वागत है सुंदरी। समस्त देवगण आपके आभारी है सुंदरी। आपने वो किया है जो कोई नहीं कर पाया और नहीं कर सकता था। आपने असंभव को संभव करके दिखा दिया। स्वर्ग लोक में आपको सर्वश्रेष्ठ अप्सरा का स्थान दिया जा रहा है। ग्रहण कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। आभार। त्रिलोत्तमा, मैंने दिया हुआ उपहार प्रभु विश्वकर्मा के चरणों में क्यों? प्रभु जी, आप सबकी प्रशंसा महंगे उपहार का, मुझे मिलने वाला ये यश का सच्चे अधिकारी तो प्रभु विश्वकर्मा जी है। हाँ इंद्रदेव, तिलोत्तमा के सच्चे सर्जनहार विश्वकर्मा ही हैं। विश्वकर्मा जी ने रात दिन एक किए हैं। सभी सुंदर चीजों में तिल तिल जितने आकर्षक तत्वों को जमा करके मुझे इन्होंने ही बनाया है। तिल तिल उत्तम तत्वों का मैं संयोजित हूँ, इसलिए मेरा नाम तिलोत्तमा है। यश का असली अधिकारी आप ही हो प्रभु, कोई और नहीं। तुम्हारा ये आदर, तुम्हारी ये भावना ही मेरा सच्चा पारितोषिक है तिलोत्तमा। पुत्र की यश गाथा और सिद्धि विषय में जानकर एक पिता को जितना आनंद होता है, इतना आनंद अभी तुमने प्राप्त की हुई सिद्धि के बदल में मुझे है। इसका स्वीकार करो तिलोत्तमा। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु विश्वकर्मा की जय। प्रभु विश्वकर्मा जय। माँ पहले मुझे तैयार करो। नहीं माँ, मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे तैयार कीजिए। हाँ हाँ, सबर रखो, तुम दोनों को मैं ही तैयार करूँगी। वंदना तुम रहने दो, मेरे दोनों बच्चों को मैं अपने हाथों से तैयार करूँगी। जैसी आज्ञा। अभी तुम्हारे पिताश्री आते ही होंगे, उनका तेज तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। माँ ये क्या कर रही हो? हाथ लग गया बेटा, क्षमा करना। आप मेरी अर्धांगिनी होकर आई हो या दासी? कार्येषु मंत्री, संकटेषु मित्र, शयनेषु रंभा और चरणेषु दासी। अपने संतानों को स्नान आदि करवाते हो आप, तैयार करते हो आप, भोजन करवाते हो अपने ही हाथों से, अपने दास दासी नहीं है क्या? संतानों के स्पर्श से माता को अगणित आनंद मिलता है और संतानों को मानसिक तृप्ति। तू मेरी परछाई है, तुझे पता है मैंने तुझे क्यों जन्मा है? नहीं कहिए। उनका दिन ब दिन बढ़ता हुआ तेज प्रकाश मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं अपने पिताश्री के पास जा रही हूँ, इस बात की किसी को भनक नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, वो अभी आते ही होंगे। जाग रहे हो? आपके आने की आहट से ही मेरी आंखें खुल गई और नींद टूट गई। जिन आँखों में प्रिय पति की प्रतीक्षा हो, उस आँखों में नींद कैसी? परंतु प्रतीक्षा किस लिए देवी? प्रतीक्षा की पल यानी विरह की पल, जो मिलन चाहे, और मिलन तन मन का। चलिए देवी आइए। प्रभु
तो प्रेम की ऐसी वर्षा होगी कि धरती का रज रज उसमें भीग कर तृप्त हो जाएगा। मनु, मेरे साथ खेलने चलोगी? माँ, मैं और यम पिंगला के साथ खेलने जाए? हाँ माँ, जाने दो ना। हाँ जाओ बेटा, मगर संध्या पहले वापस आ जाना, वरना तुम्हारे पिताश्री मुझे डांटेंगे। जैसी आ गया। चलो जाओ। ये तुमने क्या किया? ये कदम तुम्हारे योग्य नहीं है संध्या बेटी। तू अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ कर आई है? हाँ। किन्तु किस लिए बेटी? तुम क्या ऐसा समझती हो कि आदित्य तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे? नहीं, मैं अपनी परछाई को वहां छोड़ आई हूँ। आपकी जवाई को तो मेरा ना होना उसका पता ही नहीं चलेगा, और तुम्हारे बच्चों का क्या बेटी? परछाई वो ममता दे पाएगी जो एक माँ देती है? कोई भी कारण से पति का त्याग करना, घर भी छोड़ सकते हैं, मगर संतानों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए संध्या। कुछ भी हो उसमें संतानों का क्या दोष? खुद को त्याग देने वाली माता को संतान कभी माफ नहीं करती है बेटी, कभी क्षमा नहीं करती बेटी। संध्या, तुम्हारा जो कुछ भी गुम हुआ है वो तुम्हें वहीं से वापस मिलेगा। आकाश में गिरा हुआ अनमोल गहना अंधकार में ढूंढने से नहीं मिलता पुत्री, नहीं मिलता। जा बेटा जा, अभी तक देर नहीं हुई है, अपने घर वापस चली जा। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, सती तो प्राण जाने पर ही अपने पति और पुत्रों का साथ छोड़ती है। जा बेटी जा। जा। मंगला, तू इन दोनों को तैयार कर दो, जैसी आज्ञा। माँ, आप अपने हाथों से ही तैयार कीजिए ना। ना, तुम्हें मंगला तैयार कर देगी। तब तक मैं शनि अनिसूर शर्मा को तैयार करती हूँ। माँ, मुझे तो खीर पूरी खानी है। माँ, मुझे तो खीर खानी है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, चिंता मत करो। मंगला जी। महाराज, कितने समय से ये सब चल रहा है? क्या महाराज? तुम इनकी संभाल रख रही हो ना, कितने समय से? जब से दोनों राजकुमार जन्मे हैं तब से महाराज। इनकी माँ क्या कर रही है? देवी अकेले हाथ से पांचों बालकों को कैसे संभालेगी महाराज? देवी आ गए स्वामी। एक प्रश्न पूछूं देवी? पूछिए। आपको अपने दोनों में से कौन सी आप प्यारी है? मतलब ये दाई या भाई? क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? कैसी बात कर रहे हो स्वामी, आंखों में पसंद नापसंद का भेदभाव थोड़ी होता है। क्यों, संतानों में होता है और आंखों में नहीं? कितने समय से देख रहा हूँ तुम बच्चों का अनादर कर रही हो, उनको दासी के हाथ में सौंप दिया है, माँ होने के बाद भी बिना माँ के हो गए हैं। माँ की ममता बढ़ जाए वो भी दो हिस्सों में, ऐसा कोई अच्छा और बुरा किस लिए? दीजिए जवाब, नहीं तो जवाब दो, ये मेरी आज्ञा है, तुम्हारे पति की आज्ञा है। क्षमा करना महाराज, मैं संध्या नहीं हूँ। क्या, ये तीनों बालक मेरे नहीं है, उन्होंने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। मेरे बच्चे तो ये है, ये दोनों बेटे, इसलिए जाने अनजाने से अपराध हो गया, ममता इस तरफ ढल गई। तो संध्या की प्रतिमूर्ति की तरह आप कौन हो? मैं संध्या नहीं हूँ, उसकी परछाई हूँ। और ये बात तुम मुझे आज बता रही हो? संध्या ने मुझे मना किया था आपको कहने की। और वो ऐसे चली गई किस लिए? आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ तेज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए। Thank you.
वो स्वयं कहाँ है? उनके माता पिता के वहाँ। वो यहाँ आई थी, हमने उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया, पर हमें क्या पता वो वहाँ पर आई ही नहीं। और उसने ऐसा किस लिए किया? व्यक्ति के तेज में उसके परिवार के सदस्य ही अंधे हो जाएं, तो वो संसार रथ कब तक चलेगा? देव, आपकी पुत्री से मेरा तेज सहन नहीं हुआ, इसलिए लाचारी से आप सूर्य, आदित्य, आपका प्रत्येक किरण आपकी दृष्टि है। आप उन्हें, वो जहां कहीं भी होगी आप अवश्य ढूंढ पाओगे, और मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा देव। पर प्रभु, उन्हें ढूंढकर क्या लाभ? क्यों, वो कहां गई होंगी? कहकर नहीं गई है जवाईराज। जो ये तेज कम नहीं होगा तो वो मुझे मिले तो भी क्या, और न मिले तो भी क्या। कृपा करें देव, तेज को कम करें, उसे कम करें देव। धन्यवाद प्रभु, अब अपनी पुत्री का संसार सुखी और समृद्ध बनेगा। सूर्य देवता ने घोड़ी स्वरूप धारण की हुई संध्या को ढूंढ ही लिया, और उन्होंने भी घोड़े का स्वरूप लिया, और घोड़े के स्वरूप में स्वयं संध्या के साथ मिलन किया। कष्टावतार प्रभु श्री विश्वकर्मा भद्रिकाश्रम में तप करने के लिए गए, और कष्टावतार पूर्ण किया। प्रणाम इंद्रदेव, यह स्वर्गलोक का अपराधी है। कौन हो तुम? स्वर्ग की प्रणाली के अनुसार आपके कर्मों से स्वर्ग नरक का अधिकारी बना जाता है, वो भी मृत्यु होने के पश्चात। तुम सदैव स्वर्ग में कैसे आए? क्षमा करना प्रभु, पर मैं अपने आप से नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पे लाया गया है। मैं यहाँ मृत्यु होके नहीं आया हूँ, पर यहाँ आके मैं पूरा मर गया हूँ। कौन लाया है तुम्हें? क्षमा देवराज। आप दोनों ने? जी, इसकी सहायता से। ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मंगला, अपने स्वर्ग के रीति रिवाज को तोड़ा है, एक ब्राह्मण कुटुंब के परिवार को दुख दिया है। आपके लिए यही दंड है कि आपको इसके साथ पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। प्रभु, इसकी सेवाएं करनी पड़ेगी, जितनी पीड़ा दी है उतना ही सुख देना पड़ेगा। परंतु कितने समय तक? जब तक ये अपने मुंह से वापस आने का ना कहे तब तक। छोड़ो, कहाँ जाएगी सुंदरी? अब मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगा। छोड़ दे मुझे। ओम नमो विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर, छोड़ दे मेरी बहन को। कौन है तू? हे पुत्री, मैं विश्वकर्मा। प्रभु विश्वकर्मा, प्रणाम। अभी भी कहता हूँ, होश में आ जाओ, छोड़ दे मेरी बेटी को। जो होता है वो कर ले, इस सुंदरी को तो छोड़ूंगा नहीं, कदापि नहीं, नहीं छोड़ूंगा। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। उठो वत्स, क्षमा करो। शांत हो जाओ, शांत।
जिसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग जाता है वो पापी नहीं रहता। जाओ कल्याण मस्तु पुत्री इला, चलो हेमकुंत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तक क्यों नहीं आई देवी? ये उत्पात शांति से पूजा पाठ भी नहीं करने दे रहा है। आओ प्रभु। देवी। स्वामी। मैं आप ही को ढूंढने जा रहा था, चिंता हो रही थी। जिसकी प्रभु करे रक्षा उसे किस बात की चिंता? प्रसन्नता हुई प्रभु, आप आइए। अतिथि विशेष हमारे घर आए हैं तो सत्कार पूजा का अवसर दीजिए प्रभु। कभी अवश्य आऊंगा हेमकूट। हमारी प्रार्थना का स्वीकार करोगे प्रभु? बोलो पुत्री। पुत्री मानते हो तो पुत्री की प्रार्थना भी स्वीकारो। आप इलाचल पर आके बस जाइए। हाँ प्रभु, कृपा कीजिए। भक्तों के वचन का अनादर भगवान नहीं कर सकता पुत्री। वासुदेव। जी प्रभु। अपने लिए इलाचल पर्वत पर ही एक आश्रम का निर्माण करो। जैसी आज्ञा प्रभु। तैयार होने पर हम यहीं पर आकर रहेंगे। जी। अब तो राजी हो ना बेटी? हाँ प्रभु। हम तो कृतार्थ हो गए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। मेरे लिए शीतल जल। जैसी आज्ञा। मैंने जल मांगा था, नीर नहीं, वो भी पीने के लिए, स्नान करने के लिए नहीं। हमारी सेवा ऐसी, आप पीने के लिए जल मांगोगे, हम आपको स्नान करने के लिए नीर देंगे। अब ये नीर से गीले हुए वस्त्र बदली करने पड़ेंगे। जैसी आज्ञा। अभी आप मेरी बरोबर सेवा कर रहे हो मंगला। और कोई सेवा? मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन। जैसी आज्ञा। ये क्या, मैंने भोजन मांगा, आपने फल दे दिए? हमारी सेवा ऐसी ही, खाओ इस फल आहार को। आप कहती हो ना तो मैं फल हार भी खाऊंगा। बस ऐसे ही मैं उनकी सेवा करती रहूंगी तो एक दिन खुद ही त्राहिमाम कर बैठोगे। जाओ वापस स्वर्ग में। और अब मैं उसे लिए बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगी। बड़े भाई पधारिए। विश्वकर्मा, आज मैं एक खास बात मन में लेकर आया हूँ, आज्ञा करें। इंद्रदेव की इच्छा है कि स्वर्ग में उनके लिए एक भव्य भवन और एक सभा मंडप की रचना की जाए। अवश्य, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे ऐसा विचार आया है कि तुम ऐसा स्थापत्य के सर्जन करने के बदले में एक ऐसे परिवार का सर्जन करो कि जे आपका कार्यभार संभाल लें और तपस्या में भी भंग ना पड़े। भक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। ये तुम्हारी अनन्य भक्त है। और भाई, प्रेम जब चरम सीमा पर पहुंचता है तब वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। ये तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य है, तुम्हारे संतानों की माता बनने के लिए संपूर्णता से लायक है। इसे पत्नी स्वरूप में स्वीकार करो। परंतु मैं संकल्प शक्ति से ही पुत्र उत्पन्न करूंगा, मैथुनी प्रजा नहीं। ब्रह्मदेव, सुना आपने उनका जवाब? मैं तो आपके शब्दों पर विश्वास रखकर यहाँ पर आई थी, दिल में पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आई थी। हाँ भक्ति, पर आपके शब्दों का उल्लंघन हुआ है, मेरी श्रद्धा का चकनाचूर हो गया है। ये आपके शब्दों का अपमान है, मेरा अपमान है, समस्त नारी शक्ति का अपमान है। भक्ति। ब्रह्मदेव, इन्हें अपनी संकल्प शक्ति का घमंड है, नारी शक्ति इनके लिए तुच्छ है। परंतु एक समय ऐसा आएगा प्रभु कि आपकी संकल्प शक्ति धूल में मिल जाएगी और आप स्वयं मोहवश होंगे। एक स्त्री की शक्ति के सामने झुकना ही पड़ेगा। मेरा अपमान से दुखी हुई स्त्री का श्राप है आपको, श्राप। भक्ति, भक्ति।
प्रणाम पिताश्री। कल्याण मस्तु। हे पुत्र वास्तु, तुम तो देवकुटी में रहने के लिए उत्पन्न हुए हो। मनुष्य तुम्हारा पूजन करेंगे, इसलिए जो तुम पर प्रेम रखता हो ऐसे 5 पुत्रों को मैं प्रकट करूंगा और उसका आज शुभ दिन है। पिताश्री, आज तो शुक्ल पक्ष की तिथि, आपका प्रगति दिवस। शुभ विचार आए, वो दिन वो घड़ी शुभ ही होती है वास्तु। तुम तुम्हारे 5 भाइयों के पूजन की तैयारी करो। जैसी आज्ञा। ओम। पुत्रों, ये तुम्हारे बड़े भाई वास्तु हैं। वास्तु, इन तुम्हारे 5 भाइयों के नाम हैं, ये मनु, ये है मैं, ये त्वष्टा, ये है तक्ष, और सबसे छोटा भाई, इसका नाम है शिल्पी। विश्वकर्मा, प्रणाम भाई। कल्याण मस्तु। मेरे परिवार के सर्जन की तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई ना बड़े भाई? हाँ, आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और इस बहाने थोड़े दिन आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत आनंद होगा। अच्छा, अरे हाँ, इन थोड़े दिनों में देवलोक में एक यज्ञ की तैयारी हो रही है। मेरी ऐसी इच्छा है कि ये शिल्पी मेरे साथ चले। अवश्य आओगे ना पुत्र? चलिए आप लोग, चलिए। कल्याण मस्तु। बड़े भाई, वो कन्या भक्ति कहाँ है भाई? विश्वकर्मा, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? मैं आप सबको वेदाभ्यास करवाऊंगा। एकाग्र होने की साधना अर्थात ध्यान योग सिखाऊंगा। विद्याभ्यास दरमियान संकल्प सर्जन और दृष्टि सर्जन शास्त्र पढ़ाऊंगा। इन कलाओं के बीच में क्या भेद है वो सिखाऊंगा। प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का कितने ही जवाब हैं। तो आज ही शुरू करते हैं। खड़े हो जाइए। शिल्पे, तू भी खड़ा हो। तो ध्यान से सुनो पुत्र। शरीर में 2 हृदय हैं, शास्त्रों के मुताबिक। तुम जानते हो पुत्रों, आज तुम सबका विद्याभ्यास पूर्ण होता है। मेरे पास जो कुछ भी था वो मैं तुम सबको दे चुका हूँ। पिताश्री के सामने ये दुख का उच्चारण करने की हिम्मत नहीं है, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। आप हम सब में ज्येष्ठ हो इसलिए। चिंता मत कीजिए शिल्पी भैया, वास्तु भाई पे भरोसा रखिए, वो अवश्य पिताश्री के साथ बात करेंगे। करोगे ना? अवश्य करूँगा। चलिए पिताश्री के पास। आज तुम शिल्पी के मन की बात कहने के लिए, उसके अंतर मन के दुख की बात कहने के लिए मेरे पास आए हो? तो तब कहाँ थे जब इस शिल्पी ने अभ्यास में ध्यान न देकर अपने पिता को दुख दिया था? संतानों अपने माँ बाप से कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो माँ बाप को भी संतानों के पास कुछ अपेक्षाएं होती हैं वास्तु। पिताश्री, शिल्पी तो अभी ना समझ है। हाँ पिताश्री, शिल्पी को क्षमा कर दीजिए। शिल्पी, कोई भी पिता अपने पुत्र का वैरी नहीं होता है, और मैं भी नहीं हूँ।
तुम्हारे चारों ज्येष्ठ बंधुओं ने अपना विद्याभ्यास पूर्ण करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हुए हैं। तुम तो पहले ही सीढ़ी पे अटक गए और शिखर पर पहुंचने की इच्छा रखते हो। यह शक्य नहीं है शिल्पी, कुछ भी पाने के लिए उसके योग्य बनना पड़ता है। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। क्षमा तुम्हें समय के पास मांगनी पड़ेगी। जो बीत गया है तुम्हें समय के साथ होड़ करनी पड़ेगी। तूने जो नहीं पाया वो अब तुम्हें बहुत कम समय में पाना पड़ेगा। अवश्य लूंगा पिताश्री। प्रणाम देव। आपका स्वागत है ब्रज ऋषि। आपकी इच्छा अनुसार मैं शिल्पी को मेरे साथ ले जाने के लिए आया हूँ प्रभु, उसके आगे के अभ्यास के लिए। हाँ, अब वो समय आ ही गया है। शिल्पी जी। शिल्पी, आज से ब्रज ऋषि तुम्हारे गुरु और तुम इनके शिष्य हो। प्रणाम गुरुवर। कल्याण अमस्तु। आज से तुम द्विज बने हो। प्रणाम पिताश्री। जा पुत्र जा। तंग आ गया हूँ मैं, कंटाला आ गया मुझे तुम दोनों से। तो मुक्त कीजिए प्रभु के दंड से हमें, वरना तब तक हम तुम्हारी ऐसी सेवा करते रहेंगे। ओ बखंडल। हाँ। इनको पादुका देना तो रह गया। नहीं नहीं, हाँ। ना ये सेवा अधूरी है। हाँ 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 हाँ। मर गया। हे भगवान, हे भगवान, मुझे बचाइए। इंद्रदेव मेरी रक्षा कीजिए। बखरदंड और मंगला, तुम दोनों ने देवी शक्ति का दुरुपयोग किया है। शक्ति का दुरुपयोग पाप है। शक्ति लोक कल्याण के लिए होती है। सेवा करने के बजाय तुमने उस भक्त को कष्ट पहुंचाया। आज से तुम्हारी दैवीय शक्ति का नाश कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों एक सामान्य मनुष्य के जैसे जियोगे। क्षमा कीजिए प्रभु, आपका दंड सर आँखों पर। और मुझे अनुमति दीजिए कि वो हमें सेवा में व्यस्त ना रखे तो मैं उनका प्राण ले सकूं। तथास्तु। आ गया तू इतने कम समय में, मात्र 6 महीने में। अवश्य तुमने तुम्हारा विद्याभ्यास पूर्ण नहीं किया है। जो जीवन के इतने सालों में नहीं हो पाया वो मात्र 6 महीने के अंतराल में थोड़ा ही प्राप्त होने वाला था। अक्षर ज्ञान से आगे नहीं बढ़ाना तू। भृगु ऋषि तो समर्थ हैं, तुम शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। इसमें कसूर गुरु का नहीं है, वो तो नित्य ज्ञान देते हैं। शिष्य को भी योग्य बनना पड़ता है। ऐसी योग्यता खुद में ही धारण करनी पड़ती है। शिल्पी, इसमें पिता की नसीहत या गुरु के आशीर्वाद काम नहीं आते। समय के साथ होड़ करने से बदले तुमने भृगु ऋषि के समय को भी बर्बाद किया है। ये अपमान है माँ सरस्वती का, ऐसे समर्थ ज्ञानी का। ऐसी लीला किस लिए प्रभु? लीला? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, समर्थ हो। वापस आए हुए पुत्र के उत्साह और आनंद को क्या आपने नहीं देखा है? इसके मुख पे ज्ञान का तेज आपकी दृष्टि से ओझल है, अनजाने हैं। सत्य को परखने के लिए क्या आपको शब्दों की आवश्यकता है प्रभु? तो सुनिए, शिल्पी ने रात दिन एक किए है। 8 पहर में उसने सिर्फ पढ़ाई की है रात दिन। शिल्पी ने विद्या मात्र 6 मास में ही प्राप्त कर ली है। ये आपके आक्रोश का नहीं आशीर्वाद के योग्य है प्रभु। शिल्पी, नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। लीला, बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कैसे मूर्खता वाले प्रश्न कर रही है बालिके? पुरुष स्त्री के पास क्या चाहता है? यही मैं तेरे रूप की कद्र कर रहा हूँ। मान जा, राज करेगी राज। दूर रहो मुझसे, खबरदार मुझे बिल्कुल छूना मत, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
ओम नमो विश्वकर्मा। ये फूल तो देवी के है, कहाँ गई होगी वो? जरूर किसी विपत्ति में आई होगी। मुझे जाने दे यहाँ से, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सीधी तरह से मान जाओ सुंदरी। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, लीला अपने आवास में नहीं है। जानता हूँ वास्तु, लीला असुर के प्रसाद में है और विपत्ति में है। असुर के प्रसाद में, विपत्ति में, यानी? अवश्य दैत्य ने इला का अपहरण किया है। मैंने देखे हुए ये पुष्प और अलंकार उसके साक्षी हैं। तो पिताश्री, इला को उस राक्षस के हाथों से बचाना चाहिए। चिंता नहीं करो वत्स, इला का भाई उसकी सहायता करेगा। जैसी आज्ञा पिताश्री, मैं भी आऊंगा भैया। उसकी आवश्यकता नहीं है अंकुट, उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। चुटकी में मसल दूंगा उस मायावी असुर को। ए, ए, छोड़ दे मेरी बहन को। कौन? इलाका भाई वासुदेव। छोटा भाई बहन को बचाने के लिए आया है, और इस रूप में? अरे मनुष्य का रूप धारण कर तो मुझे भी समझ में आए। दुष्ट पापी, कहाँ है मेरी बहन? छोड़ दे उसे, वरना तेरा विनाश हो जाएगा। तुझे तेरी बहन चाहिए। पहचान सकेगा? रुक जा। पहचान ले तू अपनी बहन को, पहचान ले मायावी जीव। ये कैसी विलंबना है? इसमें जो मेरी असली बहन होगी वो एक कदम आगे आए। हे प्रभु विश्वकर्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे खाली हाथ वापस आ गए, अपनी बहन को साथ में नहीं लाए, वो दैत्य को? उस दैत्य की माया को मैं पहचान नहीं पाया। ये आंखें, बहन को पहचान नहीं पाई? उसका उपवास मुझे अपमानजनक दिख रहा था, पर कसूर तुम्हारा ही है पुत्र। उसने झूठ नहीं कहा था, तुम्हारा घमंड बोला था। तुम्हें इतना आत्मविश्वास था कि तुमने सामान्य शक्ति का कम मूल्य आंका था। सामर्थ्य का घमंड और आत्मविश्वास के बदले अभिमान में ऐसे ही निष्फलता मिलती है वास्तु, ऐसी ही निष्फलता मिलती है। मैं लज्जित हूँ पिताश्री, इस तरह से लज्जित होने से आपकी बहन वापस नहीं आएगी। उसका बाल भी बांका नहीं होगा हेमकूट। चल वास्तु, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वाह, क्या समय आया है। जिस नारी शक्ति का आपके मन कोई मूल्य नहीं था, उस नारी को स्वयं आप बचाने जा रहे हो। ये आपका पराजय है प्रभु, पराजय की तरफ ये आपका पहला कदम है। तो आप वापस आ गए मुनिवर, कहाँ अदृश्य हो गए थे, और साथ में किसे ले आए? ये है मेरे पिताश्री प्रभु विश्वकर्मा। तो हे प्रभु, ये छोटे बालक को अपनी बहन को पहचानने में सहायता कीजिए। पिताश्री, इसी तरह क्षण भर में तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। भला उसी में है तुम्हारा, इला को छोड़ दो। हिम्मत है तो कर युद्ध, हम में से जो जीतेगा उसी की इला। दुष्ट, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, प्रभु विश्वकर्मा के आशीर्वाद मेरे साथ है। तेरा अंत अब नजदीक आ गया है दुष्ट। Thank you.
विश्वकर्मा। ओ सजनी सजनी सजनी, ओ साजन साजन साजन, ओ सजनी सजनी सजनी, दिल यू न शर्माओ, हे मिल गए हैं दिल से दिल यू न शर्माओ, बाहों में आके हाँ मुझ में समाओ, बाहों में आके हाँ मुझ में समाओ। है ये या कोई कटार है, घायल है दिल ये मन भी अधीर है, रूप तुम्हारी जाओ बलिहारी, सौ सौ जन्म से पिया मैं मन जो तेरी। आंखें है ये या कोई कटार है, घायल है दिल ये मन भी अधीर है, मौका मिलन का तुम यू न गवाओ, हाय मौका मिलन का तुम यू न गवाओ, बाहों में आके हाँ मुझ में समाओ, बाहों में आके हाँ मुझ में समाओ। तो सजाओ, हाय स्नेह से मिलन का सेज तो सजाओ, बाहों में आके हाँ मुझ में समाओ, बाहों में आके हाँ मुझ में समाओ। कौन है तू? प्रेत हूँ। प्रेत? हाँ प्रेत, इस वृक्ष के नीचे बैठने वाला मेरा आहार बनता है और तभी मुझे तृप्ति मिलती है, इसलिए प्रेत योनि में घूमने वाले का आहार मतलब गंदगी और विष्ठा। मेरे आहार से अगर आपको तृप्ति होती हो तो बेधड़क खा जाओ मुझे। नहीं कर पाऊंगा भाई। क्यों? तुम्हारा चेहरा देखने से पता नहीं क्यों मन में आदर भाव जाग जाता है, तुम्हारा तेज देखने से हृदय में पुण्य का भाव जाग जाता है। प्रेत को भी हृदय और मन होते हैं। हाँ कौन हो आप?
मैं प्रभु विश्वकर्मा का पुत्र मनु। आप प्रभु विश्वकर्मा के पुत्र हैं? दया करो प्रभु, मुझे प्रेत योनि में से मुक्त करो, मेरा उद्धार करो। प्रेत योनि प्राप्त होने का कारण? मेरे पाप के कारण प्रभु। मैंने सिर्फ पैसों की लालच में मेरे भाई की पुत्री का बड़ी उम्र का वर ढूंढा था। मैंने कन्या का विक्रय किया और उस पुत्री के श्राप के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। प्रभु मुझे इस पाप का प्रायश्चित क्या है वो बताएं। चलिए मेरे साथ। कहाँ प्रभु? विश्वकुंड में स्नान करने के लिए। तुम विश्वकुंड में स्नान करोगे तो प्रेत योनि में से मुक्त हो जाओगे। हाँ, आश्रम में रहने की व्यवस्था तुम्हारे लिए हो जाएगी। तुम हमेशा प्रभु विश्वकर्मा के नाम का जप करना। प्रभु विश्वकर्मा, आपकी कृपा से इस प्रेत योनि में से मुक्त हुआ हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। प्रभु मैं आपके दर्शन मात्र से धन्य हुआ हूँ, मुझे दूसरा क्या चाहिए? परंतु मेरे कन्या विक्रय के पाप का निवारण है कन्यादान। इस पृथ्वी पर का श्रेष्ठ में श्रेष्ठ दान है कन्यादान, वो मुझे करना है। मुझे पुत्री दो प्रभु। तथास्तु। तेरी पत्नी की कोख से एक पुत्री का जन्म होगा। मुझे पत्नी नहीं है प्रभु। तो सर्वप्रथम शादी कर। मुझे शादी करनी नहीं है प्रभु। और फिर भी कन्या रत्न प्राप्त करना है, ये असंभव है विप्र। एक बार प्रभु के आशीर्वाद मिल जाए फिर कुछ भी असंभव नहीं है। क्या स्वयं प्रभु ने दिया हुआ वरदान खाली जाएगा? उसके लिए तुम्हें सगुण ब्रह्म की उपासना करनी होगी। वो कैसे होती है प्रभु? प्रभु प्राप्ति के मार्ग के इस पापी को क्या खबर प्रभु? सगुण ब्रह्म की उपासना अर्थात निश्चित देह को प्राप्त करने की उपासना। उपासना करते वक्त देह मत भूलना, दूसरे किसी की भी इच्छा नहीं रखना मन में। एक वर्ष के पश्चात 5 साल की पुत्री प्राप्त होगी। तथास्तु। वो कैसे होगी प्रभु? मुनिवर प्रणाम। अप्सरा, तू नृत्य में लिप्त होके मेरे आगमन का अपमान किया, मेरा अनादर किया, मेरा अपमान किया है। तू आशीर्वाद के नहीं किंतु श्राप के लायक है, श्राप के। मुनिवर शांत हो जाइए। ऋषि महाराज, अनजान से हुए अपराध के लिए पुष्पवती को क्षमा कीजिए। क्षमा? कदापि नहीं। जा, तुझे मेरा श्राप है, तू घोड़ी बन के चारों पैर से धरती पे नाचती रहना। अनजान से हुए अपराध का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुनिवार्य, क्षमा कीजिए। श्राप में से संपूर्ण मुक्ति अशक्य है बालिके, परंतु जब तू अपनी पुत्री के साथ विश्वकुंड में स्नान करेगी तब तू मेरे श्राप से संपूर्ण हित से मुक्त हो जाओगी। मुनिवार्य प्रणाम। पुष्पावती, इस श्राप को विधि का विधान समझ कर उसका स्वीकार करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। शापित पुष्पावती ने घोड़ी स्वरूपे इलाचल पर्वत को पसंद किया। उसने अश्व समूह के साथ रहकर बहुत दिनों को बिताया। देख अश्व के परिचय में आकर
वो गर्भवती हुई। गर्भवती होकर विहार करते करते वो विश्व कुंड में आकर गिरी और श्राप में से मुक्त हुई, वो भी अपने 5 वर्ष की पुत्री के साथ। आप बेटा, आप। ओम नमः विश्वकर्मणे, 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 ओम नमः विश्वकर्मणे। भूदेव, आप कौन हो देवी? श्रापित अप्सरा, आप मेरी बेटी को अपने पास रखेंगे? मैं श्राप में से संपूर्ण मुक्त हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी पुत्री को मेरी पुत्री के हिसाब से रखूंगा तो मैं पाप में से मुक्त हो जाऊंगा। मेरी पुत्री आप पर बोझ तो नहीं बनेगी ना? जो जगत के सर्वश्रेष्ठ पुण्य करने में सहायक हो, ऐसा दान हो, उसका बोझ कैसे देवी? हाँ, मैं इसी घड़ी की तो राह देख रहा था। आज से तुम्हारी पुत्री वो मेरी पुत्री है। मेरी पुत्री को मैं अपने साथ नहीं रख पाऊंगी, वो तो धरती का जीव है और मैं तो स्वर्ग की वासी हूँ। मैं आज ही श्राप से मुक्त हुई हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कि श्राप से मुक्त हुई उसका आनंद व्यक्त करूं या पुत्री को साथ में नहीं रख पाऊंगी कि उसके मैं आंसू बहाऊं। भूदेव, मेरी बेटी बाजू की कुटिया में सो रही है, उसकी हाजिरी में मैं नहीं जा पाऊंगी। आप उसका स्वीकार कर लेना, मैं चलती हूं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मेरी पूजा उपासना सफल हुई है, मुझे पुत्री प्राप्त हुई है। मैंने उसका नाम कमलिनी रखा है। प्रभु, अपने वतन में जाने की इच्छा है, आज्ञा दीजिए। अवश्य जाओ भूदेव, समय आने पर मैं इसका विवाह करूंगा, आपको आमंत्रण पत्रिका दूंगा। आप सपरिवार पधर कर मुझ पर अनुग्रह करें, उसके बिना श्रेष्ठ दान कन्यादान का अवसर अपूर्ण रह जाएगा। श्रेष्ठ दान के अवसर पर उपस्थित रहने वाला भी पुण्य का भागीदार बनता है। भूदेव, मैं अवश्य आऊंगा, तो मैं आज्ञा लूं प्रभु। कल्याण मस्तु। प्रणाम प्रभु। आओ बेटा। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्री इला। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, क्या कन्यादान जगत का श्रेष्ठ दान है? हाँ इला। वो कैसे? क्योंकि इस दान में मात्र कन्याएं नहीं दी जाती, एक ऐसी जंजीर दी जाती है जो दोनों कुलों की मर्यादा और संस्कारों को जकड़ के रखती है, जो संसार के चक्र को गतिमान करती है। स्त्री ममता का सागर और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, इसीलिए कन्यादान में लेने वाला और देने वाला दोनों भाग्यशाली बने रहते हैं। आपको कभी कन्यादान देने की इच्छा नहीं हो रही है पिताश्री? हाँ पिताश्री, आपको भी ये पुण्य प्राप्त करना चाहिए। और वो पुण्य प्राप्त करने के लिए पुत्री होना आवश्यक है। आपका घमंड, आपका स्त्री शक्ति की अवगणना आपको पुण्य प्राप्त कभी नहीं करने देगी, और वो पुण्य प्राप्त करने का आपका प्रयत्न वो आपका पराजय की तरफ कदम होगा। बताइए, क्या स्वीकार्य है, पुण्य या पराजय? किस सोच में पड़ गए पिताश्री? हाँ। पुण्य प्राप्त करने की घड़ी आए तब विचार करने में समय गुमाना अच्छा नहीं है। ओम श्री आदि नारायणाय नमः। आयुष्मान भव। देखा कितनी सुंदर और तेजस्वी है मेरी बहनें। हाँ पिताश्री, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, इनके लिए योग्य पात्र नारायण नारायण।
प्रणाम मुनिवर। मुनिवर, आपका आश्रम में स्वागत है। कल्याण नमस्तु। प्रभु, आपकी पुत्री तो रत्ना है कि रत्ना देवी है? इसके लिए तो पति के रूप में महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्यदेव ही योग्य है। उसी के साथ तेज का सहयोग होगा और जगत का कल्याण होगा। और ये पुत्री रणनाद्य के नाम से जगत की कल्याण करने वाली देवी माँ बनेगी। तो मुनिवर्य, इस कार्य का शुभारंभ आप अपने हाथों से ही कीजिए। हाँ मुनिवर्य, आप ही इस विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकालें, हो सके उतना शीघ्र। नारायण नारायण। दूसरी का भी है। परम प्रभा, ये ले वरमाला, तुम्हें जो योग्य लगे उन्हें ये वरमाला पहना दो। नारायण नारायण। परम प्रभा, पति के रूप में तूने की हुई राजा परिमर्थ की पसंदगी सर्वथा योग्य है। कल्याण नमस्तु। असंभव, क्षमा, पुत्री के विवाह में आमंत्रित ना करके प्रभु विश्वकर्मा ने मुझे अपमानित किया है, मेरी अवगणना की है। मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आने ही वाला था। परंतु क्या, रुक क्यों गए? परंतु राजश्री विश्वामित्र ने मुझे अटका दिया था। विश्वामित्र? हाँ, आपके और उसके बीच में अनबन है। उन्होंने कहा कि इस प्रसंग में अगर दुर्वासा रहेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। अभी अगर मैं आपको आमंत्रित करने आया होता तो उनके श्राप का भोग बनता था, और नहीं आ सका तो आपका ये क्रोध हमारे लिए श्रापयुक्त है। मैं पिताश्री के कहने पे आपके पास आया हूँ। नाम? नाम विश्वामित्र, पर वो विश्व का मित्र नहीं है, मेरी है। महाभीषण दुष्काल के समय चंडाल के घर में प्रवेश करके कुत्ते की टांग ही नहीं चोरी की थी, बल्कि वो खा के अपनी भूख संतोषी थी, धर्म भ्रष्ट किया था उसने। उस विश्वामित्र को ऐसा अभिमान, मेरा विश्वविख्यात क्रोध उसे जला के भस्म कर देगा, भस्म हो जाएगा। मुनिश्री, तुम मुझे चेतावनी देने आए हो? हाँ, दुर्वासे मुनि के क्रोध से। पर उनके क्रोध का कारण? वो आपको ब्रह्म ऋषि मानते ही नहीं है, धर्म के अनुसार वो आपको स्वीकार ही नहीं करते। उन्होंने कहा चोरी छिपे से चांडाल के घर में प्रवेश करके कुत्ते के पाव चोरी करके उसे खाके। उस दुर्वासा की ऐसी दुष्टता! अरे उन्होंने तो त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग में भेजने की अपनी योजना को भी निरर्थ बता के आपका उपहास भी किया था। क्या? हाँ, और वो भी देवी देवता और ऋषि मुनि की उपस्थिति में। और भी कहा उन्होंने कि ऐसे धर्म ढोंगी को तो मेरा क्रोध जला के भस्म कर देगा। वो जानता नहीं है कि क्रोध प्राणी मात्र को डरा सकता है, और जगत में संयम से ही जगत को जीता जा सकता है, और भस्म होने का लायक तो वो है वो। ये दो समर्थ ऋषियों को निमंत्रण देना तुम भूल गए थे ना? उनके क्रोध से बचने के लिए तुमने सत्य का आधार लिया, एक दूसरे के विरोध को खराब विग्रह में घुमा दिया है। वास्तु, उनके क्रोध की ज्वालाएं समक्ष सृष्टि को भस्म कर देंगी। इस विग्रह को रोकना ही पड़ेगा। वास्तुदेव की बात सच्ची है, ये इस तरफ ही आ रहा है। देखता हूं वो मेरी शक्ति के सामने कैसे टिकता है। ओहो, तो दुतात्मा ने मेरा मार्ग रोकने के लिए अग्नि का सहारा लिया है। ये क्या है ऋषियों, आप दोनों तो समर्थ ज्ञानी हो, फिर भी ये भूल गए कि अग्नि से अग्नि बुझती नहीं है, समस्त विश्व को जलाकर भस्म कर देती है, शांत नहीं होती।
ऐसा क्रोध आप जैसों को शोभा नहीं देता। बात सही है प्रभु, किंतु अपराधी मेरा पुत्र वास्तु है। आपको विवाह में निमंत्रण देने का ऐसी भूल उसी ने की है प्रभु। अपराध के दंड से बचने के लिए उसने सत्य का आधार लिया था। उसके अपराध की मैं क्षमा मांगता हूं। आप दोनों शांत हो जाओ, एक दूसरे के साथ समझौता कर लो, उसी में सबका कल्याण है। ओम नमो नारायण। प्रणाम प्रभु विश्वकर्मा। कल्याण हो, कल्याण हो। देवर्षियों भोजन करें। ये कैसा चमत्कार, आपकी ये लीला का रहस्य क्या है प्रभु? इस प्राणी का आधा अंग सोने का कैसे हुआ और अभी पूरा अंग सोने का कैसे हुआ प्रभु? क्या है इसकी कथा? बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उन दिनों में वहां भारी अकाल पड़ा था। ब्राह्मण परिवार बहुत दिनों से भूखा था। 7-8 दिन के उपवास के बाद उस ब्राह्मण को कहीं से आधा शेर जौ मिले। ब्राह्मणी ने उसका सत्तू तैयार किया। सब साथ में बैठकर भोजन कर रहे थे तब भाई आइए भूजे कल्याण वस्तु। मैं कितनों दिनों से भूखा हूँ। ये दुष्काल अकाल ने मेरा पीठ और पेट एक कर दिया है और उसमें भी मेरे प्राण पीस रहे हैं। अतिथि का सत्कार सर्वप्रथम बिराजिए। लो कर लीजिए भोजन। सुखी रहो, आपका अतिथि सत्कार बेजोड़ है भूदेव। प्रभु धर्मदेव, दर्शन देखिए आपने हम सभी की भूखे मिटा दी है। अपूर्व दान की शक्ति तो प्रभु को भी धरती पर लाकर रख देती है। एक शेर सत्तू का दान करके तुमने ब्रह्मलोक पर विजय पा लिया है। बड़े महाराजाओं के यज्ञ भी इस दान की बराबरी नहीं कर सकते। चलो सब के सब मेरे साथ ब्रह्मलोक में। और उस दिन से ये नेवला वहां पड़े हुए सत्तू के कणों पर लौटने लगा और ब्राह्मण के दान के पुण्य से उसका आधा अंग सोने का हो गया। और आज आपकी कृपा से उसका पूरा शरीर सोने का हो गया। धन्य है आपको कृपा निधान, प्राणी मात्र पर कृपा दृष्टि रखने वाले प्रभु। मैं किस लिए इस कष्ट को सहन करूं और दूसरों को भी परेशान करूं? मुझे अभी मंगला को रजा देनी ही पड़ेगी। उसके सुख के लिए भले ही मेरा प्राण जाए। काम सारा हो गया? हाँ, सारे काम निपटा दिए हैं। अभी बोलो, कुछ काम है? नहीं, अभी आपके लिए कोई काम नहीं है। एक काम बाकी है। कौन सा? इनके प्राण लेने का काम। हाँ। अच्छा? हाँ, या काम दीजिए, नहीं तो प्रभु ने आपके प्राण लेने की सम्मति दी है हमें। और आपकी मौत
वही हमारी मुक्ति है। हाँ बहुत हो गया मंगला। क्यों, कुछ और काम याद आया? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आपको यहाँ से जाने की सम्मति देता हूँ। जाओ, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। क्या कहा तूने? क्या हम जा सकते हैं? हाँ। फिर से स्वर्ग में? हाँ। मृत्यु का डर लगा? नहीं। तो तू मुझे सदैव स्वर्ग में किस लिए लेके गई थी? सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आ गया था। तुझे देखते ही लगा था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। हमेशा तेरे साथ रहना चाहती थी। तू क्यों चाहता है कि मैं चली जाऊं? तेरा दुख मुझसे देखा नहीं गया। दिल में हमेशा ऐसा क्यों होता है? भगवान जाने। मैं कहूं इसका ही नाम प्रेम है। हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। हाँ? और उसका ख्याल उस वक्त आया है जिस वक्त हमारी जाने की घड़ी आ गई है, और तूने खुशी से हमें जाने की रजा दे दी। अब हमसे धरती पे रहा नहीं जाएगा कृपा शंकर। अब मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी और तुम ऊपर। तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी कृपा शंकर, कैसे? जानता हूं भक्त शांतिवर्धन, पुत्र के मंदमति की वजह से तुम्हारा मन हमेशा व्याकुल रहता है। मंदमति को लेकर मेरे पास आओ शांतिवर्धन, मेरे पास आओ, मेरे सानिध्य में। जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। हाँ बेटे, जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। विश्वकर्माय नमः। विश्वकर्माय नमः। विश्वकर्माय नमः। यही है विश्वकर्मा जी का आश्रम। चलो। प्रभु आपकी शरण में आए हैं। हम रोज सुबह शाम कुंड में स्नान करेंगे, आपके नाम के जाप करेंगे, और 1,00,000 जप करने के बाद ही अन्न का ग्रहण करेंगे। हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस कृपा दृष्टि बनाए रखना। बेटा मंदमति, पैर पढ़ो। प्रणाम प्रभु। ओम नमो विश्वकर्माय नमः। ओम नमो विश्वकर्माय नमः। ओम नमो विश्वकर्माय नमः। ओम नमो विश्वकर्माय। स्वामी नाथ जल्दी आइए। क्या हुआ स्वामी? देखिए मेरा बेटा पानी में गिर गया। कि कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुछ कीजिए आप। हे प्रभु विश्वकर्मा, आपने इसलिए हमें यहाँ आने की प्रेरणा दी थी। बचा लीजिए मेरे बेटे को। देख देख, प्रभु की कृपा देख, हमारा बेटा चल के आ गया। आओ बेटे आओ। मेरे बेटे, मेरे लाल, तू ठीक हो गया ना? हाँ बापू, मैं ठीक हो गया। स्वामी हम तो हार गए थे कि हमारा बेटा कभी चल नहीं पाएगा। आज हमारा सपना सच हुआ, हमारी यात्रा सफल हुई। प्रभु विश्वकर्मा ने हम पे कृपा की और मंदमति को अच्छा कर दिया। अभी कल हम यहाँ से उनके दर्शन करके ही राज्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। पिताश्री मैं नहीं आऊँगा, आप दोनों जाइए। क्या? क्यों, तू नहीं आने वाला बेटा? शांति भद्र, तेरा पुत्र सच कह रहा है, उसे यहाँ मेरी शरण में ही रहने दो। समय आने पर तुम्हारे पास भेज दूंगा। आज से ये मेरा शिष्य है,
उसे मैं ज्ञान दूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ओम नमः विश्वकर्मा, ओम नमः के विश्वकर्मा, ओम नमः विश्वकर्मा, ओम नमः विश्वकर्मा। प्रणाम मुनिवर्य। पधारिए, पधारिए प्रभु। अत्रि ऋषि के आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है अत्रि ऋषि। कल्याण नमस्तु। मेरे योग्य कोई सेवा? ये मेरा शिष्य है मंदबुद्धि। पहले मंदमति था परंतु अब नहीं है। इसका स्वीकार करो और इसे वेदाभ्यास सिखाओ, यही विनती है। यशस्वी भवा। प्रभु के भक्त का स्थान तो मेरे हृदय में होता है। आज से मंदमति को मेरे आश्रम में रख के गुरु दीक्षा दूंगा। जाओ मंदमति, प्रणाम करो। आयुष्मान भव। ये संकट शांति भद्र जी और छोटा मोटा नहीं है, प्राणों का संकट है। आप तो जानते हो कि परदेसी पंडित भद्र के साथ आए हैं। तो प्रश्नों का सच्चा जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जो आप जवाब नहीं दे सको तो आपकी हार मानी जाएगी और पंडितों की जीत। और शर्त के मुताबिक जीतने वाले का बहुमान होगा और हारने वाले का सर्विच्छेद। और हमारे प्रश्न से आप अनजान नहीं हो शांति भद्र जी। इस राज्य की प्रणाली के हिसाब से हर राजा के लिए एक नया महल बनाया जाता है। ऐसे तीन महल हैं और तीनों के तीनों महल सिर्फ एक ही स्तंभ पर खड़े। हाँ पंडित जी। तो मेरा प्रश्न है कि इतना बड़ा विशाल महल मात्र एक स्तंभ पर कैसे खड़ा है? वो तो कभी भी गिर सकता है। इसमें राजा रानी की सलामती कैसी? दीजिए जवाब पुरोहित जी। इसमें तो आपके प्राण का और राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। महाराजा, महारानी, मैं रात दिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं पर अभी तक मुझे इसका उत्तर नहीं मिला है। मैं अपना पराजय स्वीकार कर रहा हूं। ओम पूर्वस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंदमति। प्रभु। प्रणाम प्रभु। उठ मंदमति, उठ। अपने माता पिता के पास जाओ, उनका ऋण चुकाने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारा परिवार संकट में है मंदमति, संकट में। राह क्या देख रहे हो महाराज, शर्त का पालन कीजिए। आज्ञा दो इसके सर काटने की। इनका शिरच्छेद हमारे बहुमान का प्रथम चरण होगा। आज्ञा कीजिए। भले ही सर विच्छेद की आज्ञा देनी पड़े पर शर्त का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर जबान टूटे फिर मस्तक रहे भी तो क्या? नहीं, रुक जाओ। पंडितों के प्रश्नों का प्रत्युत्तर मैं दूंगा। कौन हो आप? राजपुरोहित शांति भद्र का सबसे छोटा पुत्र मंदमति। प्रणाम पिताश्री। मंदमति, बेटा तू यहाँ किस लिए आया है? मौत के मुंह में पाँव रखने की तुम्हें क्या जरूरत थी? वापस चला जा। नहीं पिताजी, आपके और भाइयों के प्राण संकट में पड़े हो और मैं मेरे प्राण की चिंता करूं? मुझे मेरे संस्कारों ने ये नहीं सिखाया पिताजी। मतलब तू अपनी मर्जी से मौत को मिलने आया है, यही ना? पंडितों, आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर मुझे अमर बना देगा, फिर मृत्यु का भय कैसा? प्रश्न पता है और प्रत्युत्तर भी, प्रत्यक्ष प्रमाण दूं या फिर शब्दों में? मतलब? आप सुनो, ये महल एक भी स्तंभ के बिना, मतलब के बिना स्तंभ के भी, आधार के बिना भी टिक सकता है। दिखा सकते हो? हाँ, अभी दिखाता हूँ। देखिए, देखिए पंडित जी, महाराज देखिए, ये वही महल है जो एक स्तंभ पर खड़ा है। जय प्रभु विश्वकर्मा। अब देखिए, है एक भी स्तंभ फिर भी ये सलामत है ना? हाँ पंडितों, ये प्रत्यक्ष पुरावा ही तुम्हारा पराजय है। हाँ महाराज। अब प्रजा के समक्ष तुम्हारा सर विच्छेद किया जाएगा। नहीं महाराज, इन पंडितों को प्राणदंड मत दें। इनका घमंड ही इनके मौत का कारण बनेगा। इनके रक्त से अपनी धरती को अपवित्र न करें महाराज। ठीक है मंदमति, मैं तुम्हारी बात को मान्य रखता हूँ। पंडितों, इस मंदमति के कारण ही मैं तुमको मुक्त करता हूं। जाओ। मंदमति,
तुमने मात्र तुम्हारे पिता के प्राण ही नहीं अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा की भी रक्षा की है। आज का दिन अच्छा है, उत्सव मनाया जाए। छम छम आवाज आए ढोल बाजे रे, ढोल बाजे रे, आज नाचने को दिल ललचाए ढोल बाजे रे, ढोल बाजे रे। प्रभु, देवाधिदेव इंद्र ने भिजवाया है, उनके अपने सिंहासन की पुनर्रचना करनी है। अद्भुत, भव्य, अलौकिक। पुत्रों, मैंने तुम्हें सबको आलोच विद्या सिखाई है, संकल्प शक्ति से धारी रक्षा कर सकते हो, मन चाहा सर्जन कर सकते हो, उसी का नाम आलोच विद्या है। मुझे विद्या प्रभु आदि नारायण से प्राप्त हुई थी। जाओ, आप उस शक्ति से तुम सब मिलकर इंद्र सभा के सिंहासन की पुनर्रचना करो। आपकी बात सत्य है पिताश्री, ये कार्य उन्हें पूर्ण करने दीजिए। आप सभी जाइए, मैं यहीं रहूंगा। मेरी इच्छा पिताश्री की सेवा में रहने की है। नारायण नारायण। चलो तो हम लोग इंद्रलोक की तरफ प्रयाण करते हैं। यशस्वी भव।
मेरे बड़े भाई अभी इंद्र के आसन बनाने में व्यस्त हो गए। मुझे भी मेरी आलोच विद्या का उपयोग करना चाहिए। प्रभु, आपके चारों पुत्रों ने देवाधिदेव इंद्र के सिंहासन की रचना कर दी है। नारायण नारायण, क्या हुआ प्रभु? सुन रहे हो पशु पक्षियों के आर्तनाद को? शिल्पी ने अपनी आलोच विद्या से ऐसे दुर्ग की रचना की है, उसमें पशु पक्षी कैद हो गए हैं। ये उन पशुओं का आर्तनाद है मुनिवार्य। मेरे पुत्र ने अपनी विद्या शक्ति का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग? मैं ये होने नहीं दूंगा। पिताश्री। नारायण नारायण, ये क्या किया प्रभु? मैंने मेरे पुत्रों की आलोच विद्या वापस ले ली है मुनिवर्य। अब वो भविष्य में उसका सर्जन नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। ये क्या हुआ? ये सब क्यों टूट गया? नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। ये सब विश्वकर्मा के छोटे पुत्र शिल्पी के कारण हुआ है, मतलब शिल्पी की नादानियत की वजह से। हाँ, उसने आलोक विद्या का दुरुपयोग किया और विश्वकर्मा ने आप सबकी विद्या का नाश किया है। क्या? परंतु अपराध शिल्पी का और सजा हम भुगते? ये दंड नहीं है पुत्र, शक्ति वापस खींचने के पीछे सबका कल्याण है। पुत्रों, सर्जन ऐसा होना चाहिए जिसमें जिसमें निर्दोष कैद ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, उन पर अत्याचार ना हो। सिद्धि में अहंकार आ जाए तभी ही ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं होगा पिताश्री, क्षमा कीजिए। हाँ, हाँ पिताश्री। किंतु श्राप वापस नहीं हो सकता, तुम में से किसी को भी आलोच विद्या पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगी। इतने कठोर मत बनिए पिताश्री, आपका ये श्राप मेरे भाइयों को सर्जनकर्ता के बदले सामान्य श्रमजीवी बना देंगे। ठीक है इला, तुम्हारे कहने से मैं इनको दृष्टि विद्या देता हूँ, जो वो अपने नेत्रों से देखकर हाथों से उस प्रकार का सर्जन कर पाएंगे और उसमें सफल होंगे। अनुग्रह पिताश्री। शिल्पी को भी क्षमा कीजिए पिताश्री। ये है ओलंबा, तुम्हारे वंशज मिस्त्री कहे जाएंगे, तुम सूत्रधार हो, जो धरती पर सुधार के नाम से जाने जाएंगे। लवाक्ष मेरा शिष्य है, वो तुमको औजार बनाकर देगा, जो धरती पर लोहार के नाम से जाना जाएगा। हेमकुट, इला, आप होयम और हीरा मोती का कार्य करोगे, जो धरती पर सोनार के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। प्रणाम पिताजी। क्या क्या कहा? तुम धरती पे वापस जाना चाहती हो? हाँ प्रभु। पर क्यों? कृपा शंकर के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। क्या? मैं उसे प्रेम करती हूँ। साबिती क्या है कि वो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है? मंगला, मंगला। कृपा शंकर। कौन है तू? किसका जीव है? शरीर धारण कर। तू? प्रभु, मंगला के बगैर मैं जी नहीं पाया, शरीर के साथ यहाँ आना अशक्य था, इसलिए मेरे शरीर का मोह का त्याग करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ, प्रेम के लिए। मात्र तुम्हारे प्रेम के लिए? हमारे लिए तो प्रेम वही सच्ची प्रभु की पूजा है, प्रेम प्राप्ति यानी प्रभु की प्राप्ति। अद्भुत, आपका अनन्य प्रेम देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। जाओ, स्वर्ग में रहने के लिए आपको जो टुकड़ा पसंद आए वो आपका, आप हमेशा स्वर्ग में रहोगे। नहीं प्रभु, मगर हमें स्वर्ग में नहीं रहना। हाँ प्रभु, हमें धरती पर जाने की अनुमति दीजिए, हमारे प्रेम में इतनी शक्ति है कि हम धरती पर भी स्वर्ग बनाएंगे।
पधारना कभी, थोड़ी सी पल रहना हमारे साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अपना स्वर्ग भी भूल जाओगे। तथास्तु, मेरा वरदान है ऐसा प्रेम सदा ही तुम्हारे अंदर रहे, और एक दिन स्वयं देव आपके वहां बेटा बन के जन्म लेगा। संयम के लिए वर्षों के तप की आवश्यकता है, तुम्हारे तप में भी खोट होगी तब ही। और आप मुझे उपदेश देने निकले थे? क्यों, मोहित हो गए ना नारी की सुंदरता पे? आज आपका संपूर्ण रूप से पराजय हुआ है, आज मुझे प्रेत योनि में से मुक्ति मिली है। सुना बड़े भाई, देवों ने भी दुखी किए हुए प्रेत आत्मा के श्राप का आदर करना पड़ता है। मेरा ये मोह भक्ति के श्राप का आदर है। और उस श्राप से मुक्त होने के लिए आपने भरी सभा में मेरा हाथ पकड़ा? अप्सरा हिताक्षी, आप स्वर्ग लोक में रहने लायक नहीं है, मेरा श्राप है आपको, आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। इस श्राप का भी मैं आदर करता हूँ, इसे मैं अपने शिरोधार्य करता हूँ, किन्तु त्रिताक्षी, एक निर्दोष कन्या को प्रेत योनि में से
मुक्त करने का मेरा प्रयत्न मुझे समझकर साथ देने के बदले श्राप देने का दुस्साहस कर बैठी हो। मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुम भी धरती पर शुद्र योनि में जन्म लोगी। जरूर प्रभु ने दिए हुए आशीर्वाद फले हैं हमें। हाँ कृपा, तुम्हारी और प्रभु की साथ में कृपा हुई है। लगता है कि हमारे घर पे कल देव ही जन्म लेंगे। अप्सरा कृताचीय मदन गोपाल के वहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और स्वयं विश्वकर्मा ब्राह्मण दंपत्ति मंगला और कृपा शंकर के वहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवाधिदेव इंद्र ने दिया हुआ वरदान पूर्ण हुआ। समय के साथ कृताची ने गंगा के किनारे तपस्वी जीवन जीने लगे और प्रभु विश्वकर्मा प्रयाग के राजाओं का महल बनाने लगे। मनुष्य रूप में रहे हुए विश्वकर्मा और अप्सरा कृताची का विवाह हुआ और 9-9 पुत्रों का परिवार हुआ। पुत्रों, मैंने तुम्हें विलक्षण और विद्वान बनाने का प्रयास किया है। तुम में से कोई माली तो कोई चर्मकार है, कोई शंखकार, वणकर कुम्हार और कंसारा है, तो कोई वेशधारी नट और चित्रकार भी है। इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, अहंकार भी नहीं करना। तुम्हारी कार्य शक्ति धरती यानी पृथ्वी है। इस ज्ञान को बेचना नहीं, बांटते रहना तो वृद्धि होती रहेगी। पृथ्वी पर का मेरा ये वास आज पूर्ण होता है, हमें विदा करें। आंसू ना बहाएं, हमारी विदाई ये समय की मर्यादा है। आप सब मेरे प्रिय संतानें हैं और हमेशा रहेंगे और तुम्हारा कला कौशल के रूप में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कल्याण मस्तु। पुत्रों हेमकुट, पुत्री हिला और वास्तु, मेरा विदाई का समय आ गया है। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। संकट सारे संसार के प्रभु तुमने हर लिया, प्रभु सब तुमने हर लिया। विदा लिया दुनिया से, विदा लिया दुनिया से, अपनी स्वेच्छा से। ॐ जय विश्वकर्मा।